मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित गरीब एवं मेधावी छात्रों हेतु आईएएस व पीसीएस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत आईएएस पीसीएस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इसके साथ ही इच्छुक अभ्यर्थियों को कौशल विकास भी किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए एनआईसी के लिंक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नॉर्मल कैंपस में निर्माणाधीन कोचिंग सेंटर के पूरा होने तक विकास भवन के सभागार में सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक जिले के आईएएस और पीसीएस अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। सीडीओ ने बताया कि सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताओं को भी उनके एजुकेशन के हिसाब से कोचिंग दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, डीएम सर की गाइडेंस में और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, मतलब डीएम सर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि एक हमारे यहाँ आईएएस पीसीएस का कोचिंग सेंटर जो है विद्यापा में बन रहा है। तो डीएम सर ने कहा था कि जितने यंग ऑफिसर्स हैं उस कोचिंग सेंटर को भी बिल्डिंग कम्प्लीट हो जाएगी मार्च तक, और उसका इनॉग्रेशन भी है, लेकिन यंग ऑफिसर जो उसका क्लास या स्टडी पार्ट है उसको स्टार्ट करना बता। मेरा नाम सरजीत सिंह, मैं जिला प्रशासन गोरखपुर हूँ। जैसा कि सर का निर्देश हुआ है तो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी प्रोवाइड कराते हैं, जो करियर काउंसिलिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने बोला प्लेसमेंट ऑफिसर्स की बात, जितनी फील्ड आज अवेलेबल है और कैसे आप आत्मनिर्भर भारत जो है उसमें योगदान कर सकते हो, कैसे आप अपना जो विजन डेवलप कर सकते हो, हर चीज़ पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसीलिए हमने जो इसका सभागार चूज किया वो ये स्थापित किया है ताकि डायरेक्ट हमारे अंदर 9:30 से 10:30 टाइम रखा है, जिसमें हम कोई मीटिंग यहाँ नहीं रहेंगे। मीटिंग जो होती थी 11 की बात, और इसमें हमारे यंग वीडियोस सारे डायरेक्ट ऑफिसर्स सब ने अपने स्वेच्छा से बोला कि सर हम इसमें पास करेंगे, और स्टार्टिंग हम लोग इस तरह से स्वेच्छा से करेंगे, बाद में इसको प्रोफेशनली जब वो हमारा सेंटर सरकार रूप लेता जाएगा तो फिर वहाँ चले जाएगा। ये बेसिकली ये कोचिंग नहीं है, जैसे हमारे यहाँ आईएएस पीसीएस का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक जो सेंटर बनाया गया है बेतिहाता में समाज कल्याण विभाग के अंडर, वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। तो उसमें जो हमारे क्लासेस लगनी है और उसमें जो जितने भी हमारे यंग ऑफिसर्स हैं डीएम साहब के निर्देश के मुताबिक कि वो लोग अभी यहाँ पे पढ़ाई एक स्टार्ट करा देंगे, बाद में ये सारी चीज़ें वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और इसके सपोर्ट के लिए हम लोग 4 लाइब्रेरीज डीएम साहब द्वारा पूरे ज़िले पे रिनोवेट करवा दी गई है और वो भी इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक लाइब्रेरी हमने विकास भवन में भी की है और इसको हमने फर्दर इंटीग्रेट किया स्किल डेवलपमेंट से, और जो दूसरे कंपटीशन के लिए बच्चे आना चाहते हैं जहाँ कोई सॉफ्ट स्किल्स जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पोकन है, ऐसी कोई अगर नीड है किसी बच्चों की, काउंसलिंग की नीड है, करियर काउंसलिंग की नीड है, तो वो यहाँ पे वॉलंटियर्स ऑफिसर्स जो है वो देंगे, जिनकी हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जो हम कल आप लोगों को शेयर कर देंगे, जिन्होंने खुद स्वेच्छा से कहा है कि हम लोग बच्चों को गाइड करेंगे। कोरोना काल में पढ़ाई का बच्चों का जो लॉस हुआ है, जहाँ कोई बच्चा ये जानना चाह रहा है कि अब कैसे पढ़ाई को कवर किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, तो उसके लिए स्वेच्छा से हम लोग यहाँ करेंगे। इसके लिए हमने एक लिंक भी दिया है जिसमें वो अपना बेसिक डेटा देगा और उसके बाद हम लोग सुबह 9:30 से 10:30 बजे पहले 10 दिन उन बच्चों से वार्ता करेंगे जो भी बच्चा आएगा, और उनकी जो नीड होगी उसके मुताबिक उनको गाइड क्लासेस सब प्रोवाइड की जाएगी। सर संख्या भी कोई निर्धारित है कितने बच्चे हैं? कोई संख्या नहीं है, जितने बच्चे आएंगे हम उनकी नीड के मुताबिक उनको डिवीजन करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई फिक्स टारगेट रख के चल रहे हैं, और अगर बच्चे को स्किल डेवलपमेंट में जाना है तो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं यहाँ पे ज़िले में, तो उनके साथ कनेक्ट कर देंगे। बच्चे की झुकाव के मुताबिक, क्वालिफिकेशन के मुताबिक हर तरह के बच्चे को हम लोग यहाँ पे गाइडेंस देंगे। सर जीएस के लिए जो बच्चे बोल रहे हैं क्या एज उनका रहेगा? जनरल स्टडीज़ के लिए हमारे पास हमारे ऑफिसर सभी जो पीसीएस क्लियर करके आए हैं जो और कम्पिटेटिव क्लियर करके आए हैं वो उसमें क्लासेस लेंगे रेगुलर यहाँ। सर क्या इस तरह का विकास खंडों पर भी इस तरह व्यवस्था हो, अगर ये यहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला और हम लोग इसको सक्सेसफुली कर पाए और हम कर पाएंगे, तब इसको फिर विकास खंडों पर लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा जो वीडियोस लेंगे उसकी जिम्मेवारी। तो आवेदन कहाँ करेंगे सर? वो सेम कॉमन ही होगा, यहाँ पे कॉमन ही रखेंगे ताकि हमारे पास एक डाटाबेस कॉमन रहे कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग अच्छी हो पाए। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 9:30 से 10:30 है सुबह विकास भवन के सभागार में। ठीक।